मतलब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट करे थे उनका मैं ट्रांसफर कर दूंगी एक अलग मेम्ब्रेन में जहां मैं उन फ्रेगमेंट्स को क्या कर सकूं आइडेंटिफाई कर सकूं Hello everyone, my name is Krishmeet Kaur, Welcome to Plutus Science. Today we are going to discuss a PYQ from Botany Optional. That is, what is Southern Blotting? This was asked many times in the question paper, and only in 2020 only it was asked for 10 marks as a short note. Okay. So today we are going to discuss about the southern blurting, which is a technique of biotechnology. Okay, so let's start. ठीक है इस डीएनए के अंदर से मुझे चाहिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वॉट इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन जिसको मैं आइसोलेट करके यूज करना चाहती हूँ रेप्लीकेट करने के लिए जिसकी बहुत सारी कॉपीज में प्रोड्यूस करना चाहती हूँ इट कैन बी एनी थिंग एक रिकॉम्बिनेंट बनाना चाहती हूँ तो वो जो जीन है मेरा जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ दैट इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो ये मेरा पूरा डी एन ए है और इसमें ये जो ये सेगमेंट है ये मेरे काम का है एंड दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अब इस पूरे डीएनए में से हाउ कैन आई आइसोलेट माय जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच आई नीड फॉर माय बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट ठीक है और एनीथिंग सो व्हाट विल हैपन नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज रिस्ट्रिक्ट दिस DNA. Restrict this DNA, digestion of this DNA using restriction enzyme. Okay, so I am going to digest this DNA using restriction enzyme. Restriction enzymes are of two types. The first one is known as exonuclease, and the other one is known as endonuclease.

जिसमें से एक टुकड़ा होगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने डीएनए लिया डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट था मेरा इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मुझे निकालना था तो पहले क्या किया मैंने डीएनए के पूरे सेगमेंट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया यूजिंग रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट है ये क्या है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ठीक है अब क्या करना है मुझे इस पूल ऑफ फ्रेगमेंट से इस पूल ऑफ फ्रेगमेंट से आई हैव टू फाइंड आउट एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ इज जीन ऑफ इंटरेस्ट

जेल पे, ठीक है इसको पुट किया मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके अंदर लेट्स मेक सर्कल, ठीक है तो मैंने सेकंड स्टेप क्या किया सेकंड स्टेप किया मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस

Different different bands and somewhere I will get my gene of interest also. Now I don't know ki कि पूरे जो मैंने kiya किया है पूरा का पूरा isme इसमें मेरा of interest kaun कौन सा है कैसे कैसे पता चलाऊंगी मैं सेपरेट तो हो गए बैंड्स आर सेपरेटेड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरसिस सो यू कैन राइट ह्योर द जेल इलेक्ट्रोफोरसिस सेपरेट द फ्रेगमेंट ऑफ डी एन बेस्ड ऑन साइज

बेस पेयर ऑफ डीएनए से मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ज्वाइन कर दूंगी मतलब अगर सपोज करोगे मेरा डीएनए ठीक है कुछ बेस पेयर वाले डीएनए को मैं इससे कर दूंगी तो जो दो डीएनए को मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में ये क्या हो गई दो डिफरेंट डीएनए को दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन ठीक है कि डीएनए का सीक्वेंस था उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैंने ऊपर कर दिया दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन किससे की जाती है प्रोब से प्रोब क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसको हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं या फ्लोरोसेंटली लेबल कर देते हैं वेन वी लेबल द प्रोब इट कैन गो एंड बाइंड टू द डीएनए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ये मेरा प्रोब था ठीक है अगर मैंने इस प्रोब को लेबल कर दिया रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया तो ये जाएगा और जब बाइंड होगा और जब मैं इसको देखूंगी जब मैं एक्सरे डालूंगी इस एक्सरे और जब मैं इसको देखूंगी ऑटियो रेडियोग्राफ के अंदर तो मुझे चमक दिखेगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ओके ये मेरा सीक्वेंस था और ये यहां जाके बाइंड करा है तो, तो दैट मीनस दिस इज आई वॉन्ट ठीक है दोबारा समझो कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है

कुछ सिग्नल दिखे पहचान पाऊं मैं कि अच्छा यही मेरा सीक्वेंस है ठीक है सो वॉट आई कैन राइट हेयर आई कैन राइट दिस इज माई प्रोब विच इज अलियोटाइट सीक्वेंस और इसको क्या करूंगी मैं रेडियो एक्टिवली लेबल कर दूंगी पी थर्टी टू से ठीक है इसको क्या कर दूंगी रेडियो एक्टिवली लेबल कर दूंगी सो दैट आई कैन सी नाउ इफ आई विल ट्राई टू हाइब्रिडाइज दिस प्रो हेयर वेरी वेरी डिफिकल्ट की जो जेल होती है वो ग्रोस के मिलकर बनी है जेल बहुत सॉफ्ट होती है उसको हैंडल करना बहुत केयर से करना पड़ता है अगर मैं इसमें कुछ भी छेड़खानी करूंगी तो ये टूट जाएगी और मुझे तो नहीं तोड़ना तो इसीलिए एक साइंटिस्ट आए और वो क्या लेकर आए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक लेकर आए जिसको हम नाम देते हैं सर्दन ब्लॉटिंग सो लेट्स रीड सर्दन ब्लॉट क्या है सर्दन ब्लॉट जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफर ऑफ डीएन दैट आर सेपरेटेड बाई जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ऑन टू अम्ब्रेन मतलब जो जेल इलेक्ट्रोफोर में डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट करे थे उनका मैं ट्रांसफर कर दूंगी एक अलग मेम्ब्रेन में जहां मैं उन फ्रेगमेंट को क्या कर सकूं आइडेंटिफाई कर सकूं ठीक है ठीक है सर्दन ब्लॉटिंग प्रोसेस फॉर अनालिस ऑफ डीएनए सैम्पल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन द टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाई एडविन सर्दन एंड दिस टेक्निकॉज नेम्डर सर्दन

और एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा हुआ है तो मैं इन दोनों को ऐसे छाप दूं जैसे हम ट्रेस पर करते हैं ना छाप देते हैं ऐसे करके ठीक है तो मैं क्या करूं इन दोनों को ऐसे मिला दूं कुछ कर दूं अभी देखेंगे हम कैसे करेंगे अचीव हम सो बेसिकली आई विल क्रिएट अ रेप्लिका अ रेप्लिका ऑफ जेल ऑन अ मेंब्रेन एंड दैट मेंब्रेन इज नोन एज नाइट्रो सेलुलोज दैट मेंब्रेन इज नोन एज नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन हम क्यों यूज करते हैं ये मेम्ब्रेन हम इसका यूज करते हैं क्योंकि बहुत रोबस्ट है रोबस्ट मतलब कि आसानी से टूटेगा नहीं है ठीक है दूसरी क्या दूसरी क्या खास बात है इसकी दूसरी खास बात इसकी ये है कि इसकी रेबिटेटिव वैल्यू ज्यादा है मैं बार बार इसको यूज भी कर सकती हूं तो रोबस्ट है और रेबिटेटिव वैल्यू ज्यादा है इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स सो दैट इज वाई दिस नाइट्रो मेम्ब्रेन इज मच मच बेटर चॉइस देन दिस जेल इलेक्ट्रोफोरिस तो मैं क्या करूंगी मैंने अपने डीएनए के पैंड पहले डीएनए निकाला डीएनए में से मैंने सारे फ्रेगमेंट तोड़ दिए अब उन फ्रेगमेंट में से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने के लिए पहले डीएनए को सेपरेट किया किस पे द नीड फॉर सर्दन प्लॉटिंग ठीक है अब सर्दन प्लॉटिंग होगी कैसे देखो हो. एक चैम्बर क्रिएट किया जाएगा उसके अंदर क्या होगा इसके अंदर सबसे पहले आएगा एल्कली बफर क्या आएगा एलकली बफर एक डालेंगे इसको हम बफर ठीक है दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज एल्कली बफर उसके ऊपर क्या रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे हम एक स्पॉन्ज वी विल कीप अ स्पॉन्ज परमिएबल है याद रखना परमिबल क्या होता है कि उसके उसके थ्रू हम इजिली कुछ भी पास करा सकते हैं तो यहां पे हम रख देंगे सॉरी यहां पे हम रख देंगे स्पॉन्ज वी हैव केप्ट स्पॉन्ज सेकंड क्या है स्पॉन्ज अब इसके ऊपर क्या रखेंगे इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी जेल। बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से हम क्या रखेंगे अपनी जेल लेंगे ठीक है अपनी जेल किससे बना दे बनाते अपनी जेल को इसके ऊपर रख देंगे आई एम just... जस्ट ट यू कैन डिफरेंशिएट की एक के बाद एक क्या स्टेप आया ठीक है ऊपर की तरफ रख के एग्रोजेल को यहां पर रखेंगे मुझे एग्रोजेल से किसपे ट्रांसफर करना है नाइट्रोसे ट्रांसफर करना है तो जस्ट इस जेल के ऊपर क्या रखूंगी मैं अपना नाइट्रोसेलोज मेमरी तो नाइट्रो ठीक है तो मैं अपने मेमरी उठाऊंगी और समवेयर हेअर आई पोट ठीक है अब इसके ऊपर क्या रखूंगी इसके ऊपर रखूंगी मैं कुछ पेपर टावल्स इसके ऊपर रखूंगी मैं कुछ पेपर टावल्स ठीक है इसको सेपरेट भी कर दू पेपर टावल्स को कुछ कुछ पेपर टावल्स रखूंगी तो मैं ऐसे ऐसे टावल बना रही हूं ठीक है और कुछ मतलब 500 ग्राम जितना कुछ कुछ वेट रख दूंगी अगर मेरा मन करा तो मैंने क्या किया मतलब मन करा इन द सेंस दैट इफ आई वांट आई आई कैन पुट हेअर सम वेट्स आल्सो एंड दो वेरी वेरी इट कैन बी ऑफ फिफ्टी फाइव हंड्रेड ग्राम मतलब हाफ के जी ठीक है ये क्या था मेरा ये अग्रोज जेल थी ये क्या आया मेरा मेम्ब्रेन आ गया यहाँ पे और ये ऊपर क्या आ गया पेपर टावल्स अब प्रिंसिपल क्या है इसका देखो समझो नीचे क्या है एल्कली बफर एल्कली बफर क्या चाहेगा एल्कली बफर के अंदर है क्योंकि जो ये कैपिलरी एलकली बफर जो है ये क्या करेगा ये ऊपर ये ऊपर की साइड मूव करेगा अब जब ये पहुंचेगा स्पॉन्च तो क्या है परमिबल है तो बहुत आसानी से मूव कर जाएगा जेल भी ऐसी है अब जब ये ऊपर मूव करेगा जेल से मूव कर जाएगा तो जेल के अंदर क्या है डीएनए वो भी कैपिलरी एक्शन से क्या होगा ऊपर की तरफ मूव करेगा देखो ऐसे समझो हमने क्या करा है ये जेल रखी ये यहाँ रखा ऊपर ऊपर रखा हमने नाइट्रोसेलोलोस मेम्ब्रेन उसके ऊपर भी रख दी चीजें थी और नीचे भी रख दी ताकि एक दूसरे से अलग ना हो ऐसा ना हो अगर हम सीधा सिर्फ नीचे नीचे रखते और ऊपर कुछ ना रखते तो क्या होता तो भाई वो ऊपर और चला जाता हमने क्या करा दोनों के ही राइट और लेफ्ट में ठीक है सपोज मुझे अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होना तो मैं एक जाना यहां बिठा लूंगी एक यहां बिठा लूंगी तो आई कैन नॉट मूव राइट लेफ्ट ठीक है आई एम जस्ट एट देंटर सिमिलरली यहां मेरा जेल है जेल के ऊपर क्या है नाइट्रोसेन ऊपर भी क्या है पेपर टावल से नीचे है नीचे क्या है स्पॉन्च और बफर है बफर ऊपर जा रहा है बफर का एक्शन क्या है कैपिलरी एक्शन से इट इज गोइंग डीएनए विल अब्सो मूव अब क्या है डीएनए बैंड के ऊपर है मेरा नाइट्रोसेन अब इस मेम्रेन से एलकली बफर तो पास हो जाएगा जो मेरा एल्ली बफर यहां पर आ रहा है वो तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा लेकिन जो मेरे डीएनए के बैंड है डीएनए के बैंड है वो कहां चले जाएंगे वो चले जाएंगे नाइट्रोसेलोज के ऊपर चले जाएंगे और मेरे पास एंड रिजल्ट क्या होगा एंड रिजल्ट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा बिल्कुल रेप्लिका आ जाएगा एग्जैक्ट ठीक है जैसे अगर ये देखो ऐसे समझो कि ये क्या था मेरा ये था मेरा जेल जेल के ऊपर क्या रख दिया मैंने जेल के ऊपर उल्टा करके मैंने नाइट्रोसे पेपर रख दिया तो जो जो तो बैंड यहाँ पर होंगे वो एग्जैक्ट ऊपर छप जाएंगे ठीक है तो पूरे के पूरे मेरी जो बैंड जो डीएनए थे वो रेप्लीकेट होकर कहां बन जाएंगे मेरे नाइट्रोसे बन जाएंगे और नाइट्रोसे मेब्रीन कैसा है मेरा बस अच्छा है रोबस्ट है ठीक है अब मैं इसके ऊपर प्रोब लगाऊं हाइब्रिडाइज करूं कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो थर्ड स्टेप क्या था मेरा फोर्थ स्टेप सॉरी फोर्थ स्टेप यू कैन राइट इट वॉज सर्देन ब्लॉटिंग क्या किया मैंने सर्देन ब्लॉटिंग ठीक है नाउ व्हाट विल हैपन आई गेट आई एल गेट अ रेप्लिका दिस इज नाइट्रोसेलुलोज़ मेमरी यू कैन राइट हियर दैट दिस इज माई नाइट्रोसेलुलोज़ मेमरी ठीक है इस पे क्या होगा वो सारे बैंड आ जाएंगे यहाँ बैंड बैंड थे वो सारे यहां पर आ जाएंगे। और साथ ही होगा वो भी यहां पड़ा होगा मुझे नहीं पता है बट यहां पड़ा होगा। राइट? अब, मैं अपना प्रोब अब मैं क्या करूंगी फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप सॉरी विच इज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं एक डीएनए का सेगमेंट जो है वो अटैच कर रही हूं इस वाले डीएनए से सो आई मेक व्हाट आई मेक अ प्रोब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू जीन ऑफ इंटरेस्ट विच विल हाइब्रिडाइज हाइब्रिडाइज मतलब जाके जुड़ जाएगा किस से विद माय जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हाइब्रिडाइज होकर जुड़ जाएगा मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट से तो मेरा प्रोब निकलेगा यहां से ठीक है प्रोब सपोज करोगे मेरा प्रोब है जिसको मैंने क्या किया है ये प्रोब कैसा है ये प्रोब है रेडियो एक्टिवली लेबल देखना भी तो है ना मुझे इसे अगर मैं देख ही नहीं पाई इसको तो फायदा क्या ठीक है तो ये क्या है रेडियो एक्टिवली लेबल है ठीक है ये गया जब मैं इसको जाऊंगी तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है ये वाला तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा लग जाएगा अब इसको मैं क्या करूंगी इसके ऊपर में पास करूंगी फिफ्थ स्टेप क्या है सिक्स स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी अब ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होगा ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर मैं इसके ऊपर पुट क्या करूंगी एक्स एक्सरेज डालूंगी और मुझे क्या देखेगा ऑटो रेडियोग्राफ देखेगा जब मैं ऑटो रेडियोग्राफ देखूंगी बाकी के बैंक के ऊपर तो कुछ रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो कुछ नहीं देखेगा मुझे लेकिन जो ये वाला रीजन है जो मेरा ये वाला रीजन है ये क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिवली लेबल हो जाएगा तो मुझे दिखेगा इसमें इस से मुझे कुछ चमक दिखेगी कुछ इंडिकेशन दिखेगी सो आई विल सी ओके दिस पार्ट इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर मैं जैसे चाहूं इसको काट के मैं आइसोलेट करू एक हम बोलते Illusion, Illusion हम बोलते हैं हैं इल्यूशन 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 से 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 क्या करते एक टेक्निक है जहां सपोज करो मुझे ये बैंड बैंड चाहिए तो जेल में से मैं बैंड, जेल काट दूंगी इतना पोर्शन या मैं इतना हिस्सा काट दूंगी और उससे अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लूंगी ठीक है अब मैं जैसे चाहूं मैं इसको मुझे पता चल गया कि इसमें से मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है एक बार मुझे पता चल गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है फिर मैं उसको जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकती हूँ हमारी एम क्या था इसका पूरे पूरी टेक्निक का कि मुझे पता चले कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है वो हमने अचीव कर लिया कैसे स्टेप्स में किया एक बार रिवाइज करते हैं उसके बाद रीड करेंगे लिमिटेशन वगैरह ठीक है यहां भी देख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं द फर्स्ट स्टेप इज आई एल राइट योर ओहो वेट द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले अगर मैं डीएनए ही नहीं निकालूंगी तो क्या शुरू करूंगी तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए उसके बाद सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड जिनोमिक डीएनए मतलब सेकेंड स्टेप क्या है रिस्ट्रिक्शन करना उसकी डाइजेशन कराना लिख दो सेकेंड स्टेप क्या है डाइजेशन डाइजेशन करा दी उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है मेरा इलेक्ट्रोफोरोसिस

सबसे पहले मैंने निकाला आइसोलेशन ऑफ डीएनए ऑफ डीएनए माय सेकेंड स्टेप इज व्हाट माय सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओके माय थर्ड स्टेप विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस तुम ये भी लिख सकते हो बुरा सेंटेंस सेपरेशन ऑफ बैंड्स बाय ब्लॉटिंग एक बार सर्दन ब्लॉट हो गया तो क्या करूंगी हाइब्रिडाइजेशन और फिर फाइनली क्या करूंगी ऑटो रेडियोग्राफी जिसमें मैं फाइनली अपना देख पाऊंगी कौन सा वाला बैंड था मेरा ऑटो रेडियोग्राफी नाउ लेट्स रीड द

So let's read the steps. This, these are some applications. The first one is Southern blurting has many. Oh, the first one is the technique can be used for DNA analysis to detect point mutations and other structural, structural rearrangements in the DNA sequences. The second is this method also allows the determination of molecular weight of the restriction fragments, which helps in the analysis of such fragments. Since the technique enables detection of particular DNA segment, it can also be used in personal identification uh, via fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर बहुत ही एक्टिवली टेक्निक यूज होती है वेन यू विल स्टडी अबाउट डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग वी विल यूज दिस टेक्निक ठीक है एक्टिवली यूज होती है क्यों क्योंकि ये डीएनए सेगमेंट को एक स्पेशल डीएनए सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है ठीक है डी फिंगर प्रिंटिंग में यही तो होता है जैसे वी सीन सीरियल्स वगैरह हु इज द फादर ऑफ चाइल्ड हु इज द मर्डरर तो हम क्या करते हैं डीएनए सैम्पल्स को कंपेयर करते एक पर्टिकुलर सेगमेंट को तो दैट प्रिंसिपल वर्क्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग Next we have it can be used in disease diagnosis as well as parental diagnosis of genetic disease. These are the applications. then we have the limitations also, some limitations are also there. फर्स्ट इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स एंड रिलीजन एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट द सेकेंड मार्ट मान इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ मल्टिपल स्टेप्स और सब मल्टीपल स्टेप्स ही नहीं है क्योंकि तुम्हें बताया मैंने हम नीचे बफर रखेंगे उसके बाद हम स्पॉन्ज uh, रखेंगे फिर हम जेल रखेंगे उसके बाद नाइट मेम्रेन रखेंगे उसके बाद, रखेंगे उसके बाद और, और क्या रखेंगे उसके बाद टावल्स रखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बहुत डेलीकेीसी चाहिए बहुत स्किल चाहिए ठीक है सो दैट इज वाई इट इज लेबर इंटेंसिव सच टाइप ऑफ प्रोसेस विच रिक्वायर्स प्रिशन आर नोन एज लेबर इंटेंसिव प्रोसेस इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दैट कैन बी रिप्लेस बाय अदर फास्टर प्रोसेस लाइक पीसीआर के अंदर हमने क्या किया था डायरेक्ट प्राइमर से एम्पलीफाई कर लिया था वो वाला रीजन तो वो भी बढ़िया है बहुत ज्यादा ठीक है तो हम क्यों करें यूज इट इज अ सेमी क्वान्टिटेटिव प्रोसेस दैट ओनली प्रोवाइड एस्टिमेटेड साइज ऑफ द टीएम अगर हमें बेस पेयर लेवल तक जाना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एस्टिमेटेड साइज इट विल टेल लेकिन हमें बेस पेयर चेंजेस देखने हैं मुझे तो इस मेथड से इट विल भी डिफिकल्ट ठीक है नेक्स्ट इज सदन ब्लॉटिंग इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर डिटेक्टिंग म्यूटेशन एट द बेस पेयर विच आई डोल्ड यू